कुछ नहीं, ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इंडीड दो प्लेट्स हैं, बड़ी लार्ज प्लेट्स है ना, इस पे क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, इनका डिस्टेंस मान लो डी है, सरफेस एरिया मान लो ए है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या निकालना है तुम्हें पहले वी, और पोटेंशियल हम कई बार निकाल चुके हैं इसके लिए, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालिए, बहुत छोटा है, सबसे आसान है, करो जल्दी से। तो वी क्या होता है, वी प्लस माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, टोटल याद रहेगा ई इंटू डी, कॉन्स्टेंट के लिए यही था, ठीक है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रॉप करता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ई कितना है तुम्हारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, और सिग्मा क्या है तुम्हारा, देखो ये आएगा, देखो इसमें कोई डाउट है क्या, तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना आ गया तुम्हारा, Q बाय V, V कितना है क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो कैपेसिटेंस होता है अपना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट्स का एरिया, उनकी पोजीशन, सेपरेशन, है ना, तो लिखो इसे, नोट लिखो, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज पोटेंशियल और मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, फर्क नहीं पड़ता प्लेट लोहे की है, कॉपर की है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, नहीं पड़ता ना, कंडक्टर होने चाहिए, तो लिखो, इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द प्लेट्स। शेप मतलब क्यों, स्फेरिकल का लगता, सिलेंड्रिकल का लगता, शेप से चेंज हो रहा है, साइज एरिया बड़ा करूंगा तो बढ़ेगा क्या, साइज पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस भाई डिस्टेंस सेपरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, पोजीशन इतनी दूर रखा है, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होता है, कम करने से ज्यादा होगा, दिख रहा है, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो जितनी ज्यादा लार्ज प्लेट्स होंगी वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस, ये तो है कैपेसिटेंस, सबसे आसान है ये, सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये, ज्योमेट्री मतलब वही इसकी पोजीशन, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे।